अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वी विकी। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सी एस 411 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन फॉल 2022। ठीक है, काफ़ी अर्से बाद बना रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ी मैसअप है। सो सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फाइल की तरफ। इसकी डेडलाइन है 6 और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एक एक्सटेंशन डे मिलेगा और 7 डेट तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर ये है कि हमने बेसिकली, अगर मैं आपको इसका रिव्यू दूं तो उसमें यह है कि हमने XML फाइल्स के थ्रू कुछ चीज़ें वगैरह करनी है, और इसके लिए बेसिकली हमने एक WPF एप्लीकेशन तैयार करनी है। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें एटलीस्ट आपके पास जो है वो विजुअल स्टूडियो होना चाहिए फॉर मेकिंग ऑफ दिस असाइनमेंट। और उसके अलावा हमने इसकी आउटपुट तैयार करनी है, दैट इज़ गिफ्ट फाइल। और उस गिफ्ट फाइल को स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए एक आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर भी होना चाहिए जो आपकी फाइल को एज अ GIF स्टोर कर सके। तो इसमें जो काम है थ्रू आउट, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक थ्योरी लिखी हुई है, और उस थ्योरी को माइंड में रखते हुए हमने क्या करना है कि एक WPF एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस होंगी, दैट इज अ सिंगल सेल क्लास, एक एनिमेलिया क्लास और एक प्लांटे क्लास। और ये तीनों सब क्लासेस होंगी और इन क्लासेस की एक हमारे पास एक मेन क्लास होगी, दैट इज लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स हमारे पास रहने वाली है एक पेरेंट क्लास, और उसके बाद उसके नीचे 3 ड्राइव क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस जो हैं हमारे पास होंगी। और हमारा पर्पस ये है कि हम इन क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए ये वाला कॉन्टेक्स्ट दे के एज अ इनपुट फाइल हम इस फाइल को रीड करें, इस फाइल को पाथ को रीड करें, और इस फाइल को रीड करने के बाद इनके अंदर से हम ये डेटा एग्जीक्यूट करें। अब ऑब्वियसली इसके अंदर जो हम इनपुट देंगे वही इनपुट हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होना चाहिए, और कंटेंट्स के अंदर हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मैं ज़्यादा कोड की गहराई में नहीं जाता, सिर्फ मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, ठीक है। होपफुली लेटेस्ट वर्जन जो है वो बेहतर रहेगा, लेटेस्ट से पीछे जो वर्जन होते हैं उसमें अक्सर कुछ ना कुछ इश्यूज आ भी सकते हैं आपको। और उसके अंदर जाने के बाद आपके पास इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है। मेरे पास जो कि लेटेस्ट वर्जन है 2022 का है, आई डोंट थिंक कि इससे आगे कोई रिलीज आई है अभी। तो आपने वहाँ पर जाना है और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है एज अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है WPF एप्लीकेशन, एंड आपको इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। आपने यूज करना है C# का WPF एप्लीकेशन जिसके आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हो, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ आते हैं WPF एप्लीकेशन और WPF ऐप के अंदर डिफरेंस होता है। WPF ऐप करेंगे तो वो .NET फ्रेमवर्क के थ्रू होगी, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट चीज है, हमने वो चीज नहीं बनानी। आपने ऐप नहीं बनानी, आपने एप्लीकेशन बनानी है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो C# की WPF एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे वो आपसे नाम पूछेगा अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो यहाँ पे आप अपनी आईडी लिख लें, ठीक है। करने के बाद अपन पाथ सेट करें, कोई भी CDE ड्राइव, कोई भी आप यहाँ पे ड्राइव रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डी के अंदर रख लेता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट डी के अंदर कर देता हूँ, डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आपसे वो फ्रेमवर्क की कंपेटिबिलिटी पूछेगा। आपका यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप ये 3.1 लॉन्ग टर्म सपोर्ट को यूज़ कीजिएगा, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। सिर्फ आपने इतना करना है तो आपकी ये एक डिफॉल्ट ब्लैंक इन्वायरमेंट आपके लिए सेटअप कर देगा, ठीक है। ये हमारी ब्लैंक इन्वायरमेंट यहाँ पे सेटअप हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास एक ये फाइल बन गई है .cs फाइल, यानी कि XML की C# की फाइल बन चुकी है जिसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है। और उसके बाद हमारे पास एक मेन विंडो बन गई है जिसके अंदर हमने डिज़ाइन करना है। जो कोड है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँगा, वो आपको दिखाना का या वो सारा समझाने की काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा वो वीडियो को, उतना ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सीधा चलता हूँ इसकी विजुअल्स की तरफ कि किस तरीके से आप इसकी इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए। अब जो गिफ्ट फाइल उन्होंने प्रोवाइड की है उसके अंदर ये था कि आपने यहाँ पे इसका एक सेटअप क्रिएट करना है, और वो क्रिएट कैसे करना है, सिंपल आपने जाना है टूल बॉक्स के ऊपर, ठीक है। टूल बॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेबल की जरूरत है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, यहाँ पे हमारा लेबल आ जाएगा। एंड उसके बाद 3-4 लेबल्स चाहिए तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बार बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें 3-4 लेबल्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट इतना सा बना के आपको फिर फाइनल दिखा दूंगा। उसके बाद जो दूसरा आइटम हमें रिक्वायर्ड है वो है एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट ब्लॉक नहीं लेना, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और वो आपने पर्टिकुलर जगह पे लाके रख देना है जिस भी जगह पे आपको
उसकी जरूरत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रख देंगे। आप इसकी शेप डिफरेंट भी कर सकते हैं इन चीज़ों की, इनको आगे पीछे इनकी साइजिंग और सब कुछ डिफरेंट रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज अ बटन, और बटन भी आपको सेम यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज अ बटन, और आप यहाँ पे ला के बटन को रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने बटन को यहीं रखना है, आप बटन की लोकेशन किसी भी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ठीक रहेगी है बस, ठीक है। तो ये इतना से करने से आपकी इन्वायरमेंट सेट हो जाएगी। उसके बाद चीज आती है कि आपकी हर चीज का एक नाम होता है, हर हर बटन का या हर लेबल, यहाँ पे जो भी कॉम्पोनेंट हम लेके आते हैं उसका एक नेम होता है, जिसकी बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी क्लासेस बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखें लेबल है, तो लेबल का फिलहाल यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा, तो आप इसका नेम रख लें लेबल वन, इसका रख लें लेबल टू, इसका लेबल थ्री और लेबल फोर यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लेबल वन है, तो मैं इसको एल बी वन रख देता हूँ। एल बी से मुराद यहाँ पे लेबल है, लंडा बाजार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेबल का आ जाएगा एल बी वन, सेकेंड का आप कर दें एल बी टू, थर्ड का एल बी थ्री और आगे एल बी फोर, आप चार नाम इसको दे दें। सेम इसी तरीके से अगर हम टेक्स्ट बॉक्स की बात करें, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स के लिए टी बी वन कर लें, फिर टी बी टू, टी बी थ्री, टी बी फोर, इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्सेस या पूरा टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज और मुझे याद है कि हमें यहाँ फोर्थ नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसको हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। तो आपने यहाँ पे ये बॉक्स ला के रखते हैं, जिसके अंदर हम जब प्रोग्राम करेंगे तो उसके अंदर हम ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, और इसका नाम भी आप इसी तरीके से यहाँ पे सी बी बॉक्स या सी बी वन आप यहाँ पे रख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स। सेम इसी तरीके से अगर हम बटन की बात करें, तो आप बी टी एन वन इस तरीके से इसका नाम रख सकते हैं, बाकी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां तक यहाँ टर्म है लेबल की बात है कि लेबल लेबल लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका नेम भी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यही प्रॉपर्टीज के नीचे देखें, तो यहाँ पे कंटेंट का एक ऑप्शन आ रहा है और उसके अंदर लेबल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अगर लिख दें फॉर एग्जांपल, जैसे पहला हमारा ऑप्शन है एक्सएमएल पाथ, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे इसका नेम चेंज हो जाएगा, बेसिकली जो यूआई के अंदर हमें देखना है, बैकएंड पे इसका यही काम करेगा। इसी तरीके से आप बाकियों के नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारी फाइनल लुक बनेगी, वो बनेगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि टाइम जो है वो आपका कम बने वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं, एक बटन भी है, और इनके अपने अपने यहाँ पे नाम है। जैसे बटन का यहाँ पे बी टी एन बटन और टेक्स वन टेक्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं इसके कोड की तरफ, तो कोड के अंदर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ इतना है कि हमारा कोड के अंदर हमारा काम यह था कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट पेरेंट क्लास बनी हुई है लिविंग थिंग्स के नाम से। उसके बाद सिंगल सेल एनिमेलिया और उसके बाद प्लांटे, ये हमारे पास तीन जो है वो ड्राइव क्लासेस थी, और इनको हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस दी हुई है लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स की और लिविंग थिंग्स की। तो ये लिविंग थिंग्स की जो क्लास है ये इनहेरिट हो रही है इन तीन क्लासेस के ऊपर। तो ये तीन क्लासेस हमारी चाइल्ड क्लासेस या ड्राइव क्लासेस कहलाएंगी, और ये लिविंग थिंग हमारी पेरेंट क्लास कहलाएगी। और उसके बाद हमने इसके सेटर गेटर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये ज्यादा डिटेल अभी नहीं जाते, फ्यूचर में देखेंगे। उसके बाद इन सब क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने उनके फंक्शंस, उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे कॉल किया, और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमने अपनी एक फाइल को रीड करना है। अब ये करने के बाद ये कोड मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, आप इसको देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बनाने का बता दिया, तो सिंपल जब ये बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने ये यहाँ पे कोड लिख लेना है, ठीक है। ये करने के बाद मैं ये जो अभी हमने बनाया था डमी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपल अपने इस प्रोग्राम को रन करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज आती है, ये हम कहाँ से लेके आएंगे? आपने सिंपल इस कोड को यहाँ क्वेश्चन फाइल से ही कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल बना लें, ठीक है, txt फाइल, और यो जो कि यहाँ पे शो नहीं होगी, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि मैंने वो हिडन की हुई है। ये रहा, आप अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर चले जाएं जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया। मैंने डी ड्राइव के अंदर बनाया था CS160 के नाम से, जो कि मैंने BC160 लिखना था। खैर, आपने आईडी के हिसाब से यहाँ पे बना लिया, आप वहाँ पे जाएं, आप अपना एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें, ठीक है। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर आप इसको एज सेव एज भी कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो हमने चीज़ कॉपी की थी उसको एज इट इज पेस्ट कर दें, इसको सेव एज करें, और यहाँ पे आप उसी फाइल के अंदर इसका नाम जो है अपनी आईडी के हिसाब से रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल BC160.xml, ठीक है, यहाँ से ऑल फाइल्स कर देंगे, ठीक है। XML करके आपने इसको सेव कर देना है, तो ये एक XML फाइल यहाँ पे गिरे, ये यहाँ पे आके बन जाएगी। उसके बाद
जब आपकी XML फाइल बन गई तो आपने फिर जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में और जाके इसको ये ऊपर रन का बटन होता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन का, यहाँ से पकड़ के आपने अपने बिल्ड को एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम करेंगे थोड़ा टाइम लेगी आपके सिस्टम पे, लेकिन उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूट जब होगी तो आपके सामने इस तरीके से एक एप्लीकेशन आ जाएगी जो जस्ट हमने क्रिएट की है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ देना। फाइल का पाथ आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपल, इसी फोल्डर के ऊपर, सबसे ऊपर ये जो फोल्डर का पाथ आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास एक पाथ बन जाएगा। लेकिन ये फोल्डर का पाथ है, फाइल का पाथ नहीं है, हमने यहाँ पे फाइल का पाथ देना है। तो आप वहां पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आगे आप डालें /, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप चाहें तो उसके अंदर से फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपकी फाइल का नेम था दैट इज bc160.xml वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आप डालेंगे /bc160.xml, ठीक है, ये फाइल आपकी आ जाएगी और आप इसको यहां से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने लाके इसको यहां पे कर देना है पेस्ट एंड रीड XML के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों वर्ड्स पैंथेरिया लियो समथिंग एंड लाइन और उसके बाद एनिमेलिया, जो ऑप्शंस तीन रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पे आ गए हैं। एंड ये तीनों ऑप्शंस कहाँ से आए हैं? ये आए हैं हमारी XML फाइल के अंदर से, और हमारी जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो भी यही थी कि XML फाइल के अंदर से इनको हमने रीड करना है। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, इतना करना है आपने। अब आपने जो सबमिशंस करवानी है वो क्या होगा कि जब आपका फाइल आप वहां पे बना लेंगे तो उसके बाद जब आपने इसको रन करना था, यहाँ से आप इसको रन करने से पहले कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करेंगे, एक स्क्रीन को गिफ्ट नाम से भी आता है वो भी यूज कर सकते हैं, आपने कोई भी रिकॉर्डर यूज करना है और अपनी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा देना। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे लाइक दैट, ठीक है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने ये एक आ जाएगा, आपने वहां जाना है अपने फोल्डर में, यहाँ से जाके पाथ उठाना है, पाथ उठा के यहाँ ला के पाथ को पेस्ट करना है, रीड पे क्लिक करना है, ये ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। दैट्स इट, आपने इतना रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्डिंग को बंद कर देना है। जब आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो आपने आपकी फाइल जो भी रॉ कंडीशन में आएगी उसको सबसे पहले आपने GIF फाइल के अंदर क्रिएट करना है। जब आपकी GIF फाइल बन जाएगी उस GIF फाइल को आपने यहाँ पे ला के रख देना है। लेट्स सपोज कि ये मेरी ये वाली GIF फाइल है और GIF फाइल आ जाएगी आपकी। उसके बाद ये वाली मेन विंडो .xml.cs फाइल, उसके बाद मेन विंडो .xml फाइल, उसके बाद ये bc1601 वाली जो हमने जिसके अंदर कोड लिखा है .xml फाइल वो वाली, और आपकी जो GIF फाइल आप बनाएंगे वो वाली। ठीक है, इन चार फाइलों को, ये वाली फाइल नहीं, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये GIF फाइल है तो GIF फाइल यहाँ पे होगी चौथी फाइल। इन चार फाइल्स को आपने पकड़ के जिप करना है। ठीक है, जिप जो फाइल जो आप बनाएंगे उसका नेम भी आपकी आईडी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, और ये जिप फाइल आपने सबमिट करवा देनी है। इस जिप फाइल के अंदर क्या कुछ होगा? आपकी xml.cs फाइल, उसके बाद .xml फाइल, .xml फाइल जिसके अंदर हमने अपना कोड लिखा था, जो छोटा सा कोड हमने तीन चार लाइनों को जो यहाँ से ही कॉपी किया था ये वाला। ठीक है, और उसके साथ आपकी GIF फाइल जो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड की होगी वो वाली। इन चार फाइल्स ये इसके अंदर जिप के अंदर होंगी और ये जिप फाइल आपने सबमिट करवानी है। ठीक है जी, और अगर आपसे ये असाइनमेंट नहीं बन सकती तो पेड असाइनमेंट अवेलेबल है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।